अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताऊते की तबाही से अभी देश ने उभरना भी शुरू नहीं किया है। इस बीच मौसम विभाग ने एक और तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान के पास एक नया तूफान विकसित होने के संकेत मिले हैं। ये 23 मई को पूर्वी तट की ओर बढ़ेगा। इसका ट्रैक, दिशा और अन्य जानकारियों के बारे में एक दो दिन में स्थिति साफ होगी। बता दें, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा को डराने के बाद ताऊते सोमवार रात गुजरात पहुंचा। इसके बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी ठप हो गई, पेड़ उखड़ गए। तूफान दीप का कर्व हिट हो गया और ये ऊना के भवन नगर पहुंच गया। इससे पहले महाराष्ट्र में बीते दिन तूफान की चपेट में आने से करीब 6 लोगों की जान चली गई थी। बता दें, गुजरात में 23 साल बाद इतना भयानक तूफान आ रहा है। इससे पहले 9 जून को 1998 में कच्छ जिले के कांडला में इतना भयानक तूफान आया था। इसमें 1173 लोगों की मौत हो गई थी और 1774 लोग लापता हो गए थे। गुजरात के तटीय जिलों में 655 गांवों से करीब 1.5 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। डूंगरपुर में प्रशासन ने ग्रामीणों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। पाली, जालौर और राजसमंद में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बूंदी जिलों के लिए भी 18 और 19 मई के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।